सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला बंजारन। प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम पहेलियां। आलेख तेज बाला गोयल का है, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो लो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं कुछ पहेलियां। दोस्तों इन पहेलियों को तुम ध्यान से सुनना और इनके जवाब देना। तो लो दोस्तों तैयार हो जाओ पहली पहेली सुनने के लिए। तैयार हो ना? तो लो सुनो और बताओ ये कौन है? नीली छतरी लिए खड़ा हूँ, सब छतरी मेरी में रहते, सूरज चंदा झिलमिल तारे मेरी ही गोदी में बसते। बच्चों नाम बताओगे, ऊंचे तुम उठ जाओगे, नीली छतरी लिए खड़ा हूँ। भाई पहचान गए ना? नहीं पहचाने? अरे दोस्तों नीली छतरी लिए कौन खड़ा है, बताओ बताओ। कुछ दोस्त तो बता रहे हैं लेकिन कुछ दोस्त नहीं बता पा रहे। अरे सब बताओ। आकाश, बिल्कुल ठीक। अच्छा दोस्तों जानते हो आकाश और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? कोई बता सकता है? आसमान, नभ। और अब दोस्तों तैयार हो जाओ दूसरी पहेली सुनने के लिए। तैयार हो ना? लो सुनो। आसमान की खिड़की से रात को झांका करता हूँ, आंख मिचौनी तारों के संग बच्चों खेला करता हूँ, अपनी चमचम किरणों से सबको ठंडक देता हूँ। आसमान की खिड़की से रात को झांका करता हूँ, आंख मिचौनी तारों के संग बच्चों खेला करता हूँ, अपनी चमचम किरणों से सबको ठंडक देता हूँ। बताओ तो ये कौन है? बताओ बताओ। अरे जोर से बताओ। बिल्कुल ठीक, चांद, चंदा मामा। अच्छा दोस्तों चांद को और क्या कहते हैं, बताओ? चंद्रमा। एक नाम और बताएं, शशि। दोस्तों एक नाम और है चांद का, तुम बता सकते हो? मैं बताऊं? रजनीश। अब जरा एक बात और बताओ, बताओगे ना? चांद कब दिखाई देता है? दिन में या रात में? रात में। अच्छा अब जरा ये बताओ, चांद
जब पूरा दिखाई देता है तो उस दिन को क्या कहते हैं? जब पूरा दिखाई देता है चांद। बताओ बताओ। पूर्णमासी यानी पूर्णिमा। और अब ये बताओ कि चांद कब दिखाई नहीं देता? जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता उसे क्या कहते हैं? अमावस। क्या कहते हैं? अमावस। और अब दोस्तों तैयार हो जाओ तीसरी पहेली के लिए। चलो दोस्तों सुनो ये तीसरी पहेली और बताओ ये कौन है। समझ गए सब? नहीं समझे? समझ गए। अच्छा तो फिर बताओ जरा जोर से बताओ। तारे टिम टिम करते छोटे छोटे तारे रात को दिखाई देते हैं ना? अच्छा अब चौथी पहेली सुनो और बताओ ये कौन है। बताओ बताओ। हम सागर से पानी लाते, हम सागर से पानी लाते, उमड़ घुमड़ कर शोर मचाते, आसमान में दौड़ लगाते, आसमान में दौड़ लगाते, झमझम झमझम पानी बरसाते। प्यारे बच्चों नाम बताओ, छाता लेकर घर को जाओ, प्यारे बच्चों नाम बताओ, छाता लेकर घर को जाओ। अरे जाओ ना। ये तो सब पहचान गए होंगे। ये हैं बादल। दोस्तों तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। अच्छा जरा एक बात तो बताओ, जब बादलों की आवाज आती है तो उस आवाज को क्या कहते हैं? बताओ, जब बादलों की आवाज आती है तो उस आवाज को क्या कहते हैं? बादलों का गड़गड़ाना। और अब दोस्तों मैं तुम्हें सुनवा रहा हूं एक गीत। दोस्तों ये गीत तुम सुनो और कोशिश करो कि तुम भी इस गीत को गा सको। कोशिश करना इस गीत के साथ साथ गाने की। चलो दोस्तों सुनो ये गीत। आओ बच्चों कदम बढ़ाओ, हिंदुस्तान हमारा है, आओ बच्चों मिलकर गाओ, भारत देश हमारा है, आओ बच्चों कदम बढ़ाओ, हिंदुस्तान हमारा है,
आओ बच्चों मिलकर गाओ, भारत देश हमारा है। क्या? भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। बादल पर फैला कर मोर बोला, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। आओ बच्चों कदम बढ़ाओ, हिंदुस्तान हमारा है। आओ बच्चों कर गाओ, भारत देश हमारा है। क्या? भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। गैया बोली, बछड़ा काला मोटा हाथी बोला, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। आओ बच्चों कदम बढ़ाओ, हिंदुस्तान हमारा है। आओ बच्चों मिलकर गाओ, खेतों से किसान बोला, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। सीमा से जवान बोला, कदम बढ़ाओ, हिंदुस्तान हमारा है। आओ बच्चों मिलकर गाओ, भारत देश हमारा है। क्या? भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। और अब दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो भाई जरा जोर से कहो जय हिंद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम बंजारन भाग तीन। आलेख विभा देवसरे का है, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। जय हिंद। तो दोस्तों
बंजारन आ रही है तुमसे बात करने। अरे बंजारन आओ, ये सब बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते। बहुत अच्छे। हाँ तो बच्चों, हुआ ये कि कल मैं शहर गई थी तो वहाँ देखा दोस्तों, ये बंजारन दिन भर घूमती रहती है जैसे इसे और कोई काम ही नहीं है। ओफो, अरे ये तो मैं बच्चों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हम बंजारे लोग गांव-गांव शहर-शहर घूमते रहते हैं, इसीलिए हमारा कोई एक घर नहीं होता, जहां चले गए वही हमारा घर हो जाता है। हां तो बच्चों, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बता रही थी कि बीच में ये पोपटलाल टपक पड़े। अरे क्या बता रही थी, यही ना कि आज तुम्हारी पोटली में कोई और नया बाजा है। नहीं नहीं नहीं, वो तो बाद में बताऊंगी, पहले वो शहर वाली बात तो सुनो। कल जब मैं शहर गई तो देखा वहां एक स्कूल में बड़ी तैयारियां हो रही हैं, कहीं नाच हो रहा है, कहीं गाने हो रहे हैं, कहीं खेलकूद हो रहे हैं। बस फिर क्या था, बच्चों उस स्कूल में मैं भी घुस गई। पहले तो दरबान ने मुझे रोका, मगर मैंने फिर उसे समझाया बुझाया, फिर वो मेरी बात मान गया और मैं स्कूल के अंदर घुस गई। वहां बच्चों ने मुझे घेर लिया, बोले गाना गाओ गाना गाओ। मैंने कहा भाई तुम्हें गाना तो जरूर सुनाऊंगी, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम लोग आज ये गाना बजाना और खेल कूद क्यों कर रहे हो। एक लड़के ने बताया, बात यह है बंजारन कि कल हमारे स्कूल में बाल दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि कल 14 नवंबर है ना, हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। मैंने पूछा कि ये 14 नवंबर क्या होता है, तो दूसरे लड़के ने बताया कि अरे बंजारन, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ। नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उनको चाचा कहते थे, इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। पूरे देश भर के बच्चे खुशियां मनाते हैं, स्कूलों में नाच नाटक और गाने होते हैं। तो चलो बच्चों, हम भी गाने गाएं। बाल दिवस हम बच्चों का दिन नाचे गाएं खुशी मनाएं, खेलें कूदें
कन्हैया बने खड़े हो? बंजारन, तुम्हें नहीं पता मैंने नौटंकी में काम किया है। ऐसे ही बांसुरी बजाकर मैं कृष्ण कन्हैया बना था। अच्छा, तुम कृष्ण कन्हैया बने थे? अरे हाँ बंजारन। बांसुरी बांस से बनती है, इसीलिए बांसुरी कहलाती है। वैसे बांसुरी लोहे से, कांसे से और चांदी से भी बनाई जाती है। बांसुरी में एक छेद ऊपर होता है, इस छेद को मुंह से लगाते हैं और फूंक मारते हैं। बाकी छह छेद नीचे की तरफ रहते हैं। इन छेदों को उंगलियों से दबाते हैं तो अलग-अलग आवाजें निकलती हैं। बांसुरी की आवाज में तो जादू होता है, जादू। अच्छा, अब और कौन सा बाजा है तुम्हारी पोटली में, दिखाओ तो। वाह वाह पोपटलाल, दिखा तो मैं तुम्हें दूं ये नया वाला बाजा, पर तुम इसका नाम तो बताओ। अच्छा बच्चों, तुम सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। पोपटलाल, तुम भी आंखें बंद करो। अरे बंजारन, आंखें बंद कर लूंगा तो बाजे का नाम कैसे बताऊंगा? ओहो, अरे बाबा, कानों से इसकी आवाज सुनकर बताओ ना, तब मैं जानूं। अच्छा दोस्तों, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तुम भी तो आंखें बंद कर लो। हां हां, सब लोग आंखें बंद कर लो। लो अब सुनो इसकी आवाज। अरे मैं नहीं जानूंगा इसे। अरे ये क्या है? वाह वाह पोपटलाल, मान गई कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। अच्छा अब सब अपनी आंखें खोल लो। बच्चों, ये शहनाई है। क्या है ये? शहनाई। हां, बांसुरी की तरह होती है। इसे फूंक मारकर बजाते हैं। इसके नीचे का हिस्सा गोल होता है, इसके ऊपर एक छेद होता है जिसमें फूंक मारते हैं। इसमें 8 छेद होते हैं। यह शहनाई भी लकड़ी से बनती है। शादी
और त्योहारों में ये शहनाई खूब बजाई जाती है। अब सुनो एक बार इसे। बच्चों एक बार इसे सुनो। हाँ, अब बताओ कि दोनों की आवाज क्या एक जैसी है? और क्या, दोनों की आवाज एक जैसी है, दोनों शहनाई हैं। तुमसे ज्यादा समझदार तो हमारे बच्चे हैं जो जोर से कह रहे हैं कि पहली वाली शहनाई है और दूसरी वाली बांसुरी। ये बच्चे तो बांसुरी और शहनाई की आवाज को अच्छी तरह पहचान ही गए हैं। अब मैं चलूं। अरे बंजारन, ये पोटली क्यों बांधने लगी? बाकी की पोटली नहीं खोलोगी? अब पोटली कल खुलेगी। अच्छा बच्चों, अब मैं चलूं। अरे बंजारन, जाने से पहले वो वाला अपना गीत तो सुना दो। अरे वही वाला। अच्छा अच्छा सुनो। सचमुच दोस्तों, ये बंजारन है बहुत मजेदार। तो भाई जरा जोर से कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।